करने वाले हैं 45 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो क्यू एंड ए। तो चलिए जल्दी से, आप लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल पूछे होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमपीडी गेमिंग 2.2 ने, विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐप यू यूज। सो जो मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह तो यूज़ नहीं करता, मैं लैपटॉप पे एडिटिंग नहीं करता, मैं एडिटिंग करता हूँ अपने मोबाइल पे ही काइन मास्टर के मॉड के साथ, और थंबनेल्स मैं पिक्सल ऐप से बनाता हूँ, और फिर जो मेरी वॉइस होती है वो मैं काइन मास्टर की ऑडियो सेक्शन से डाल देता हूँ। ऑलराइट, अब फेरीटेल नहीं, एमपीडी गेमिंग 2.0 ने पूछा है उसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है यूअर फेवरेट एनिमे। सो गाइस, मेरा फेवरेट एनिमे अगर निकाला जाए तो वो है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल मेरा फर्स्ट एनिमे था, इसलिए वो मेरा फेवरेट है और उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो गाइस, नंबर 2 क्वेश्चन जिसने पूछा है वो है फेरीटेल गुरु। फेरीटेल गुरु ने पूछा है कि नात्सु और लूफी की बैटल हुई तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन निकलेगा। बाय द वे, लव योर वीडियोस, थैंक यू सो मच फेरीटेल गुरु। और अगर नात्सु और लूफी की बैटल हुई तो मेरे ख्याल से लूफी जीतेगा, क्योंकि देखो यार, नात्सु मतलब मेरे को ठीक नहीं लगता, और वही लूफी ने अभी ट्रेनिंग भी कर ली है मतलब वानुओ कंट्री आर्क में, तो मेरे ख्याल से लूफी ही जीतेगा। और अगर नहीं भी जीतता है तो क्या फ़ायदा भाई, मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ज़ेनो गेमिंग वाईटी ने, गोकू और साइतामा में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सीधे जवाब पे देता हूँ कि गोकू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साइतामा तो वन पंच मैन है, किसी को भी वन पंच में हरा सकता है, बट ये मत भूलना कि गोकू का जो निकनेम है उसे लिमिट ब्रेकर के भी नाम से जाना सकता है। तो क्या पता अपन को कि गोकू अपने ही इसमें कोई ऐसा मोड एक्टिवेट कर ले जो शायद साइतामा को भी डिफीट कर दे। बट फिलहाल तो साइतामा के ही चांसेस है गोकू से जीतने के, बट मेरे ख्याल से गोकू जीत भी सकता है। नेक्स्ट पूछा है नूबेक्स प्रो गेमिंग ने, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। सो गाइस, फिलहाल तो मेरा जो फेवरेट गेम है वो है जेंशन इम्पैक्ट। इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और इस पर यूट्यूब पर डालने में मुझे मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेड मास्टर्स ने, रेड और एश चूज वन बिटवीन, बाय द वे लव योर वीडियोज, ओके थैंक यू सो मच रेड मास्टर्स। और रेड और एश में से मैं रेड चुनना ज़्यादा प्रिफर करूँगा, क्योंकि एश एक फेलियर था, बट फिर भी एश को तो मैं बचपन से देख ही रहा हूँ। रेड मुझे अभी कुछ 3-4 साल पहले ही पता चला था, तो मुझे रेड ज़्यादा ही पसंद है। नेक्स्ट पूछा है लूसीफर डीमन किंग ने, जीन या एम्बर, मुझे पता है आपको दोनों पसंद है फ्रॉम जेंशन इम्पैक्ट। अरे भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, ठीक है सीधे सीधे बताता हूँ, मुझे एम्बर ज़्यादा अच्छी लगती है, नो ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्राउन बॉय 69 ने, आपके हिसाब से ओरिजिन ऑफ एनिमे कौन है। ड्रैगन बॉल ओरिजिन ऑफ एनिमे ड्रैगन बॉल है मेरे हिसाब से। जेड एक्स प्रो गेमिंग पूछते हैं कि फेवरेट वाइफू, सच्ची बताओ। लास्ट में करेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किलवाज होल्डाइक वाईटी ने, जो कि है फेवरेट एनिमे कैरेक्टर। तो मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है वेजिटा और गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा बैड एस कैरेक्टर है, और गोकू एक टाइम पे फनी भी होता है और एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग भी। सुपर ब्लेजिकन ने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगर इंडिया में एनिमे दिखने लगा तो क्या, इंडिया में अगर एनिमे दिखने लगा टीवी पे तो क्या होगा। भाई अपने आके बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, मजाक नहीं। योर ड्रीम पीसी बता दूँ। सो, मेरा ड्रीम पीसी कुछ खास नहीं है, बट मेरे को वाटर कूल सेटअप चाहिए उसमें, और वो मेरे थीम से मैच करना चाहिए, जैसे कि ग्रीन और ब्लैक फ़िलहाल मेरा थीम है, तो वैसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेक्सस गाड़ी व्योर ने कि हैशटैग यूनि लाइफ का मोस्ट एम्बेरेसिंग मूवमेंट। तो मेरा लाइफ का सबसे मोस्ट एम्बेरेसिंग मूवमेंट तब था जब मैं बाथरूम चला गया था और मैंने हाथ नहीं धोए थे, और वो बात मेरे दोस्त को पता चल गई और उसने पूरी क्लास में फैला दिया था ये। ओ, तो वो मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा एम्बेरेसिंग मोमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बनी एक्सप्लेन ने, ब्रो योर फेवरेट गेमर / स्ट्रीमर। मेरा फेवरेट गेमर है श्राउड, और अगर फेवरेट स्ट्रीमर की बात करें तो मेरा फेवरेट स्ट्रीमर है मॉर्टल। मॉर्टल की स्ट्रीम्स अच्छी होती है यार, देखा करो तुम लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्रिएटिव लड़का, शेरलॉक होम्स या माइक्रोसॉफ्ट होम्स। शेरलॉक होम्स, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट कुछ खास पसंद नहीं है, बट दोनों भी होशियार थे अगर आप लोगों ने देखी है तो। जोड़ा गेमर्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भाई कोई एनिमे इन यूट्यूब लाइव। नहीं है मेरा कोई एनिमे ऐसा नहीं है यार स्पेसिफिक,
बट फिलहाल मेरे राइवल्स बहुत सारे मतलब मेरे लाइन में जो है जो मुझे क्रॉस वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि फिशरमैन प्लेज हो गया, फिर किलर गेमिंग कुछ तो बीच नाम था उसका, वो भी हो सकता है, और ओरिजिनल गेम बॉय ने तो मुझे क्रॉस कर दिया है, तो मेरे ख्याल से यही लोग मेरे राइवल्स हैं, बट मैं इन्हें अपना एनिमी नहीं मानता। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा है आयुष FF ने, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी या BGMI। अब ये तीनों में मैं चूज़ नहीं कर सकता, बट सबसे टॉप पे मैं BGMI रखूँगा, सेकंड नंबर पे कॉल ऑफ ड्यूटी और थर्ड पे रखूँगा फ्री फायर को। सो अब पढ़ते हम लोग वर्स्ट क्वेश्चन के खिलाफ जो मुझे पूछा था ZX Pro Gaming ने, आपकी फेवरेट वाइफू। तो अब मैं वो रिवील करने वाला हूँ, मेरी फेवरेट वाइफू है रायस ग्रेमरी फ्रॉम हाई स्कूल DXT। सो मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं इसके लिए, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया। ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं रह गया है गाइस। तो फिलहाल आज के Q&A वीडियो में यही यार, इतने ही क्वेश्चंस पूछे थे तुमने, और भाई अगर तुम्हें और कुछ बारे में जानना है तो यार मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। मैं मिलता हूँ अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।